जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जो वेद दी समयसार के आगे की गाथा 216 शुरू करते हैं। जो वेद दी वेदी जदी समय समय विनसते उभयम तम जान गोदु नाणी उभयम पीण कंख दी कयावी। सो वेदयते वेद्यते समय समय विनश्यत्युभयम तत् ज्ञाय कस्तु ज्ञानी उभयमपि न कांक्षति कदापि। ज्ञानी ही तावद् ध्रुवत्वात्। ज्ञानी की बात है, रे वैद्य वेदक भाव बन्ने समय समय वीण से ए जान तो ज्ञानी कदापि न उभयनी कांक्षा करे। जिस भाव को वेदा जाता है तो भाव को वेदना ही वेदक भाव का है, और जो भाव वेदा जा रहा है उस भाव को वेद्य भाव का है। वेदक वेद्य भाव है वो वेद्य है, उसको जो वेदने वाला है वो है वेदक। तो दोनों भाव समय समय पर विनाश को प्राप्त होते हैं, क्योंकि प्रत्येक भाव का उत्पन्न होना और उसका विनाश होना वो नियत। प्रत्येक भाव उत्पन्न भी होता है और विनाश भी होता है। भावों का उत्पन्न होना भी तय है, उसका विनाश होना भी तय। इसलिए भाव का वेदक और वेद्य संबंध आएगा, क्योंकि वेदक भाव है वो वेद्य है, लेकिन जो उसको वेदने वाला है वो वेदक। तो ये दोनों, ये प्रत्येक भाव समय समय पर विनाश को प्राप्त होता है, ऐसा जिसने भी जान लिया, जो ज्ञानी ने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो दोनों को ना भाव की इच्छा करेगा ना ही भाव को वेदक करने वाली व्यक्ति की इच्छा करेगा, बराबर। क्योंकि ज्ञान का स्वभाव है ध्रुव और ज्ञानी का भी स्वभाव है ध्रुव। देखिए, आत्मद्रव्य ध्रुव है और आत्मद्रव्य के प्राप्त जो अपना चिंतन स्वरूप, उसका अपना स्वरूप है वो भी ध्रुव, उसकी अपनी स्थिति भी ध्रुव। इसीलिए ज्ञानी को जब ज्ञान प्राप्त हो जाए कि सारे भाव नाशवंत है, तो वो कभी भी उसकी इच्छा नहीं करता। जो भी भाव कांक्षमाण हो, यानी कि वांछित करने वाला हो, वो भाव आज वांछित करने वाला है, वेद्य भाव को अनुभव करने वाला है, उत्पन्न करने वाला है, उत्पन्न होने वाला है, और कल वो विनाश को प्राप्त होने वाला है। प्रत्येक भाव की यही स्थिति है और ये हमें जान लेना चाहिए, बराबर। वेद्य वेदक भाव का विभाव है, वो चलित है, ये ज्ञानी को पता है। बंधु व भोग निमित्ते अज्जावसाणो दये सुणाणिस संसार देह विषय सुणेव उपजदे रागो। बंधोपभोग निमित्तेषु अज्जावसाणो दयेषु ज्ञानिनः संसार देह विषयेषु नैवोत्पद्यते रागः। संसार देह संबंधी ने भोग बंधोपभोग निमित्त जे संसार देह संबंधी अने बंध उपभोग निमित्त जे ते सर्व उद्यवसान उदये राग थायन ज्ञानी। संसार संबंधी, देह संबंधी, बंध कर्म बंध संबंधी, कर्म का उपभोग संबंधी, भोगोपभोग संबंधी, जो सर्व अध्यवसान, सर्व इच्छा, सर्व राग, सर्व चीज उदय होती है, कुछ समय रहता है, सुख दुख मिलता है, फिर बाद में अस्त होता है, ये बात ज्ञानी को पता है। इसलिए ज्ञानी को इस निमित्त से कोई भी उपभोग, सर्व उपभोग के प्रति वैराग्य हो जाता है। उसको कोई भी उपभोग सुख देने वाला नहीं लगता, उसको कोई भी उपभोग प्राप्त होने वाला इच्छित नहीं लगता।
इस लोक में जितने भी अध्यवसान के उदय है उसमें से कुछ संसार संबंधी, कुछ शरीर संबंधी, कुछ बंधन संबंधी, कुछ उपभोग संबंधी है, बराबर। इसके जितने भी निमित्त खड़े होते हैं, जितने भी निमित्त, वो सारे अध्यवसान का ही उदय करते हैं। ये सारे जब भी कर्म बंध या उदय या उदीर्णा या सत्ता या संसार संबंधी या देह संबंधी जितने भी उपभोग के निमित्त खड़े होंगे ना, सारे राग द्वेष मोहादिक ही होते हैं। उसका उपभोग भी मोहादिक, मात्र सुख दुख का अनुभव मात्र मिलता है, सुख मिलता है, वो सब ज्ञानी को पता है। इसीलिए जो जो अध्यवसान के उदय संसार संबंधी है, बंधन संबंधी निमित्त है, राग द्वेष मोह इत्यादि संबंधी है, सारे अध्यवसान सुख दुख इत्यादि का सर्व का ज्ञानी त्याग करता है, उसको सबका वैराग्य हो जाता है, बराबर। पुद्गल द्रव्य, जीव द्रव्य, उसके संयोग रूप, उसका स्वभाव, सब का वो त्याग कर देता है। मात्र एक उसका जो ज्ञायक स्वभाव है, उसी के प्रति उसको चिंतन मनन का कार्य रह जाता है। फटकड़ी आदि, लोधर आदि रसायन को अगर आप वस्त्र के साथ उसका संयोग, रंग वस्त्र के साथ फटकड़ी का संयोग ना हो, रसायन का संयोग ना हो, तो वो वस्त्र उसको स्वीकार नहीं करता है। मतलब कि अगर मैं किसी वस्त्र पर रंग लगाना चाहूँ तो अगर मैं सीधे रंग में उसको डाल दूँ तो वस्त्र उसको स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन मैं अगर उसके अंदर रसायन डालूं रंग में, या फटकड़ी डालूं या लूधर डालूं, उससे रंग को कषायित करूं, तब वो वस्त्र पर लगेगा, बराबर। तो यहाँ पर बराबर ये तीन चीज़ देखी है, सारे अध्यवसाय अलग, ज्ञानी खुद अलग, मतलब जीवात्मा अलग और सारा अध्यवसाय अलग। अगर अध्यवसाय एक तरफ है, जीवात्मा एक तरफ है, पर जब उसको राग भाव, रागादि द्वेषादि भाव अगर परिणमन में नहीं आएगा, किसी भी कार्य या संबंध अगर कोई निमित्त खड़ा हो जाए, वस्तु उपभोग का निमित्त खड़ा हो जाए, तब अगर अंदर राग मिश्रित नहीं होगा तब तक वो कर्म नहीं बनता, बराबर। मात्र निमित्त वस्तु या कर्म और मात्र जीवात्मा, दोनों अपने आप इकट्ठे नहीं होते, दोनों को मिक्स करने के लिए, चढ़ाने के लिए राग भाव का सम्मिलित होना बहुत जरूरी, बराबर। तो इसीलिए 18 पाप स्थानक रागादि भाव वो अध्यवसाय ही कारण है, जिसके कारण कर्म जीव पर चढ़ता है। बाकी कर्म जीव एमने ऐसे ही बिना राग भाव, बिना अध्यवसान, ना कर्म जीव को छुएगा, ना जीव कर्म को छुएगा, बराबर। इसीलिए बिना अध्यवसान, बिना राग द्वेष, बिना स्वार्थ के आपका कोई भी, कितने भी कर्म आप कर लो, कोई भी जीव के ऊपर नहीं चढ़ेगा। आप वो चढ़ेगा नहीं, इसलिए आप वैरागी होकर सर्व कार्य कर रहे हो, क्योंकि आपके सर्व कार्य करते हुए भी आपका वैराग्य मजबूत है, आपका रागादि कोई भाव ही नहीं है, इसीलिए वो सर्व राग रस का त्याग हो गया है, आपका स्वभाव ऐसा बन गया है। वैरागी सर्व रस राग रस का त्याग रूप स्वभाव ही को ही वैराग्य का है। वीराग्य, वैराग्य, राग रहित वर्तन, वैराग्य का अर्थ ही है राग रहित वर्तन। अगर आपका वर्तन राग रहित हो गया है तब समझ लीजिएगा कि आप पर कोई भी कर्म नहीं चढ़ेगा, कोई भी कर्म नहीं। 218 इसके लिए ये दो गाथा करेंगे। नाणी रागपजहो सवदव्यसु कम मज्झ गदाणो
लिप्पदी रजयेण दु कद्दम मध्ये जहा कणयम अन्नाणी पुनरत्तो सव्वदव्येषु कम्म मज्जगदो लिप्पदी कम्मरेण दु कदम मज्जे जहालोहम। अब ये दो गाथा की संस्कृत। ज्ञानी राग प्रहायक सर्वद्रव्येषु कर्म मध्यगत नो लिप्यते रजसातु कर्दम मध्ये यथा कनकम। अज्ञानी पुनरक्त द्रव्य सर्वद्रव्येषु कर्म मध्यगत लिप्यते कर्म रजसा तु कर्दम मध्ये यथा लोहम। अज्ञानी और ज्ञानी दोनों के कर्म बंध की बात यहाँ है। सर्व राग रस का त्याग रूप वैरागी ज्ञानी हो गया है। जिसको वैराग्य प्राप्त हो गया है उन्होंने अपने सर्व राग वाले स्वभाव का त्याग कर दिया है, इसलिए वो कर्म मध्यपति यानी कि कर्म के अंदर पड़ा पड़ा भी कर्म करते हुए भी वो पतित नहीं होता है और किसी भी कर्म से वो लेपित नहीं होता है। सर्व कर्म उसको आता है, स्पर्शित करता है और तुरंत खर जाता है, बराबर, क्योंकि उसको सर्व राग रस का त्याग। छो सर्व द्रव्ये राग वर्जक ज्ञानी कर्मनी मध्यमा। सर्व कर्म द्रव्य जो राग वर्जक है, ऐसे राग वर्जक कर्म के मध्य में ज्ञानी बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी एक भी कर्म रज उसके ऊपर लेपित नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, कारण क्या है? जम कनक कर्दम मध्यमा। जिस तरह से सोना, सोने को आप कादव के मध्य में रखोगे, वो सोना कादव से लेपित नहीं होगा। जैसे ही तुरंत उसके ऊपर पानी डालोगे वो शुद्ध हो जाएगा। पण सर्व द्रव्ये रागशील अज्ञानी कर्मणि मध्यमा। ज्ञानी सर्व द्रव्य के प्रति राग को छोड़ने वाला है, इसीलिए कर्म के मध्य में रहते हुए भी जिस तरह सोना कीचड़ में पड़ा है आप उसको धो दो वो शुद्ध हो जाएगा। इसी तरह क्यों शुद्ध क्यों हो गया, क्योंकि सोना और कादव एक दूसरे को लेपित नहीं करते हैं। दोनों द्रव्य है, दोनों अलग, लेकिन दोनों द्रव्य एक दूसरे को स्वीकार नहीं करते हैं बराबर। परंतु बराबर इसी तरह से ज्ञानी भी सर्व द्रव्य के मध्य में पड़ा है, उसके अंदर बिल्कुल वो द्रव्य को भोगने का उपभोग करने की लेश मात्र भी इच्छा नहीं, बराबर, और ना राग है ना द्वेष है उसके प्रति, ना कोई भी प्रकार के अध्यवसाय, शुभ अध्यवसाय भी नहीं, अशुभ अध्यवसाय भी नहीं, तो वो कर्म उसके ऊपर चढ़ता ही नहीं, क्योंकि उसमें उसकी बिल्कुल इच्छा ही नहीं। वो बिल्कुल अनासक्त हो चुका है, वैरागी हो चुका है, उसको कोई भाव कोई फल नहीं चाहिए। शांति से खाया पिया बात खत्म, लेकिन ये खाना ये चाहिए ऐसा राग नहीं। आज खाना अच्छा नहीं है वो राग नहीं, आज खाना खराब है वो राग नहीं, ठीक है। लेकिन अज्ञानी जो राग युक्त जीव है, जो जिसको अध्यवसान है, जिसको मिला तो सुख है, नहीं मिला तो दुखी हो जाता है, कितने भी क्रोध मान माई ऐसे सारे अध्यवसान के बीच में बैठा है, वो रागी है, बराबर। वो बिल्कुल भी अपने कर्म से या उसके बंधन से परिचित ही नहीं है, उसको मालूम ही नहीं है, इसीलिए वो अज्ञानी भी है। जो रागी है वो अज्ञानी, उसको नहीं पता कि ये कर्म उसे वेदनीय कितना पीड़ा, ये आज सुख दे रहा है लेकिन कल कितनी पीड़ा देगा उसको नहीं पता है। ऐसा रागी कर्म के मध्य में रहता रहता कर्म रज से लेपित होता जाता है, क्योंकि उसमें उसके भाव मिश्रित हो रहा है। वो जो भी कर्म कर रहा है, नहीं खाना अच्छा नहीं मिला तो भाव मिश्रित होकर खाना खाया, अशुभ भाव मिश्रित होकर खाना है, बहुत अच्छा है, बढ़िया खाना है, ऐसा मुझे रोज मिलना चाहिए, मुझे रोज ऐसे पकवान चाहिए ही चाहिए, और जिसने बनाया है उसके प्रति उसको प्रेम भाव हो जाए तो ये भी राग मिश्रित हो गया। तो इस तरह से राग मिश्रित खाना खाना
और वो उससे इतना लेपित होगा, इतना लेपित होता जाएगा, राग उसको इतना लेपित करेगा कि वो सारे कर्म उसके ऊपर बिन जरूरी चढ़ गए। बराबर, तो वो चढ़ने का कारण उसका राग था। ऐसे ही कर्म भोग लेता, ऐसे ही खाना खा लेता कर्म हो जाता और खत्म हो जाता। लेकिन जो राग मिला ना, उसी के कारण श्रेणिक राजा शिकार करने गए, शिकार किया, लेकिन जो राग मिश्रित हुआ ना, अरे मैंने दो दो, एक तीर से दो दो शिकार, जो राग मिश्रित हो गया ना कि एक बच्चा भी मारा, हरणी भी मारी, तो एक ही तीर लेकिन दो शिकार हो गए, वो जो राग मिश्रित हुआ, जो खुशी आनंद हुआ ना, उसी ने उनको नरक गति की आयु बंधवा दी। जिस तरह से लोखंड कादव के मध्य में रहकर लेपित होता है, लोखंड अगर कादव के मध्य में होगा ना, देखिए यहाँ पे तो लोखंड को कादव काट लगा देगा, सोने को कादव काट नहीं लगा सकता, बराबर, लेकिन लोहे को वो जरूर काट लगा दे। तो लोहा है वो अशुद्ध धातु है, इसलिए उसको काट लग जाएगी। कादव के मध्य मध्य रहकर वो लेपित होता रहेगा, उसको काट लगती जाएगी, लेकिन सुवर्ण को काट नहीं लगेगी, क्योंकि लोहा राग मिश्रित, रज राग उससे मिश्रित है, जबकि सुवर्ण बिल्कुल भी मिश्रित नहीं। बराबर, तो यहाँ ज्ञानी को खास ध्यान देना है कि ज्ञानी कर्म के मध्य में रहा हो तब भी वो कर्म से लेपित इसीलिए नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि ये राग द्वेष मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरी आत्मा को, जो ज्ञानी है उसको सिर्फ ज्ञान ही चाहिए, कोई अध्यवसान बाकी नहीं चाहिए, उसको ये पता है। और ये बात ने उसको इतना वैरागी बना दिया है कि अब मुझे मोक्ष ही चाहिए, छुटकारा चाहिए, मुझे मेरी आत्मा को ये सारे संसार से, संसार के निमित्त से, संसार के उपयोग में होने वाले कर्मों के अध्यवसायों से मुझे उसको मुक्त करना है। तो वो जो स्वभाव आ गया है त्याग करने का स्वभाव, कि छोड़ूंगा नहीं तब तक मैं मुक्त नहीं होऊंगा। देखो, ज्ञानी को ये पता है कि जब तक मैं ये सारा संसार, संसार का उपभोग, संसार में जन्म मरण अगर मैं छोड़ूंगा नहीं, तब तक मेरा जन्म मरण बंद नहीं होने वाला। जब तक मेरी इच्छा चालू है तब तक मेरे जन्म मरण बंद नहीं होने वाला है। ज्ञानी को ये पता है, ज्ञानी को ये मालूम है कि मुझे कोई इच्छा नहीं करनी है, संसार के सुख की एक भी इच्छा रही, एक भी मेरा अध्यवसाय बाकी रहा तो मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। ये ज्ञान ज्ञानी को पता, ये पता चल गया, इसे वो ज्ञानी है। और इस ज्ञान के तहत उसका स्वभाव वैरागी हो चुका है, समकीति हो चुका है, अब वो सहन कर रहा है, जो मिला वो भोग रहा है, उसको सहन कर रहा है। बराबर, इसीलिए जो कर्म मिल रहा है वो कर्म वो भोग रहा है, शांति से भोग रहा है, बैरागी होके, उसमें से उसको कोई सुख नहीं चाहिए, कोई दुख आए तो उसको भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, अध्यवसाय से वो दुखी नहीं हो रहा है, ना वो सुख से सुखी हो रहा है, ना वो दुख से दुखी हो रहा है। इसी कारण से कर्म करते करते भी, कर्म के मध्य रहता रहता, कर्म थी ज्ञानी लेपित नहीं हो रहा, वैराग्य भाव उसे बचा रहा है, बचा रहा है, फिर से संसार में नहीं आना है, ये मक्कमता उसको बचा रही है, श्रद्धा उसको बचा रही है। उसको पता है कि अगर मैं ये सब चीज़ों में मेरा मन नहीं लगाऊंगा तो मैं अवश्य मुक्त हो जाऊंगा, मैं अवश्य मुक्त हो जाऊंगा, उसको ये पता है। बराबर, इसी कारण से ज्ञानी कर्म के मध्य में रहते हुए भी कर्म से बंधित नहीं हो रहा है। यही है ज्ञान और अज्ञान की महिमा। आओ, इस लोक में जो जो वस्तु का जैसा स्वभाव है, वैसा स्वभाव या वही वस्तु अपने वश से ही होती है, अपने अधीनता से होती, मेरी इच्छा पे वो वश होती। अगर मुझे कोई वस्तु चाहिए तो वो मेरे वश में आएगी,
मनोयोग करना ही हमें संसार से बाहर नहीं निकलने दे रहा है। मन शक्ति बहुत प्रबल है, ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, ये लोक में मन शक्ति, आप एक इच्छा करोगे वो इच्छा ही आपको वो वस्तु को वश में ला देगी। अगर आपने एक इच्छा की तो वो इच्छा शक्ति, इच्छा बहुत बहुत पावरफुल, क्योंकि इच्छा के पीछे आपकी पांचों इंद्रिय लगी हुई, और वो इच्छा के पीछे बार बार पजेसिव होना, बार बार वो इच्छा के लिए ही कार्य करना, वो कार्य करते करते करता जाड़ करोड़ियों भोए पड़ी पछड़ाए, भले आप फेल हो जाते रहो, निष्फल हो, लेकिन बार बार वो कार्य करते रहो करते रहो करते रहो, तो वो वस्तु की प्राप्ति उसको आप अपने अधीन कर ही लोगे, आज नहीं तो कल कर ही लोगे। इच्छा शक्ति इतनी प्रबल, और यही कारण है कि वो अधीनता को प्राप्त करने की इच्छा ही आपका अध्यवसान, बराबर। इसके लिए आप बहुत सारा तप कर रहे हो, तप कर रहे हो, तप कर रहे हो। विश्वभूति अणगार ने 11 लाख मास खमण किए, लेकिन अज्ञान भरा था, इतना भरा था कि जब एक गाय ने सिंह मार के उड़ा दिया तो सारी शक्ति उन्होंने अपने इस उपवास के बदले में मांग ली। इतने मांस खमण का फल उन्होंने शक्ति के रूप में मांग लिया, मतलब जो इच्छा थी, पहले उपवास किए तब इतनी इच्छा नहीं थी, उपवास करने का मन था, भाव नहीं था, सम्यक दर्शन तो नहीं था, होता तो वो मांगते नहीं ऐसा। बिना सम्यक दर्शन का वैराग्य, बिना सम्यक दर्शन का तप था वो, जैसे ही पीड़ा हुई बदले में शक्ति मांग ली। ऐसे ही जब भी हम इच्छा करेंगे ना, तो जो पुण्य मेरे अंदर पड़ा होगा ना सिलक में, बैलेंस में, वो सीधा वो इच्छा को कन्वर्ट कर देगा। अगर पुण्य पड़ा है तो वो इच्छा पूरी होने की पूरी संभावना हो जाएगी, और अगर पाप बैलेंस में पड़ा है तब तक आप वो इच्छा आपकी पूरी होने के वश को रोकती जाएगी, रोकती जाएगी। आप बार बार मेहनत करते जाओगे, वो इच्छा आपकी पूरी नहीं होगी, लेकिन जिस वक्त आपका पुण्य बैलेंस हो गया, क्योंकि संसार है, कोई ना कोई शुभ कार्य आप करते रहोगे, और वो शुभ कार्य का पुण्य आपको वो इच्छा पूरी करने के लिए प्रबल माध्यम बन जाएगा, निमित्त बन जाएगा, ऐसा प्रबल माध्यम बन जाएगा कि वो आपकी इच्छा शक्ति को पूरी करके ही रहेगा। ध्यान दीजिएगा, इसी में आपका पुण्य पाप दोनों काम कर रहा है, और आपकी उस वस्तु को प्राप्त करने की, उसको वश करने का स्वभाव काम कर रहा है। इच्छा शक्ति किसी भी वस्तु को वश करने का स्वभाव है। इच्छा शक्ति आपके अध्यवसान को प्रबल बनाता है, प्रबल बनाता है, प्रबल शक्ति देता है। अध्यवसान एक शक्ति है, पावर है, एक पंचेंद्रिय जीव कर रहा है तो वो पावर से उस पर टूट पड़ेगा। अपनी पांचों इंद्रिय और बुद्धि के द्वारा छह की छह शक्ति, ध्यान दीजिएगा, पांच इंद्रिय और बुद्धि, मन, बुद्धि और पांचों इंद्रिय, सातों चीज लग जाती है, और उसमें उस वस्तु को अधीन करने का स्वभाव, अहंकार, करे मैं इसको प्राप्त करके ही रहूंगा, नहीं कैसे होगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल। देखिए जो हम बोलते हैं ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल, यही हमारा अहंकार, यही हमारा अहंकार। और आप किसी भी कर्म के पीछे लग जाओगे, नहीं कैसे होगा ये काम, नहीं कैसे होगा, यही तो अहंकार। करने की जरूरत ही नहीं है हमको, कुछ नहीं करने की जरूरत है, उसकी जगह हम नहीं क्यों होगा, ये सोच के वो काम करने के लिए टूट पड़ते हैं। सोचो आप, जबकि आपको कुछ नहीं करना है, हमको तो शांत रहना है, कोई इच्छा, कोई अध्यवसाय, कोई
भाव नहीं लाना है, वैरागी होना है, वैरागी होकर संसार खत्म करना है हमको बस। अगर संसार खत्म करना है वैरागी होना ही पड़ेगा, इच्छा का त्याग हमको करना ही पड़ेगा, बराबर। इच्छा का त्याग क्यों चाहिए, इच्छा क्या कराती है, ये बहुत बड़ा अपराध है, पर का अपराध, अन्य वस्तु का को प्राप्त करने के संयोग सोचना, वो ही सबसे बड़ा अपराध, क्योंकि यही अपराध है जो हम आज तक करते आए हैं और यही कारण है जो आज तक संसार में भटकते आए। हम आज तक क्यों भटकते आए, कितने कितने पुण्य करने के बावजूद क्यों भटकते आए, यही 11 लाख मांसखमण विश्वभूति अणगार के भव में भगवान को सातवीं नारकी का निमित्त देकर गया, और यही 11 लाख मांसखमण नंदन मुनि के भव में सम्यक दर्शन आने के बाद नंदन मुनि के भव में 11 लाख मांसखमण करके परमात्मा ने 20 स्थानक तप पूर्ण किया और तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन किया। सोचो, एक ही जीव इच्छा करके 11 लाख मांसखमण कर रहे थे 15वें भव में, तो वो त्रिपुरुष वासुदेव बने, और वही जीव जब बिना इच्छा वैरागी होकर सम्यक दर्शन सहित जब उनको वापस आ गया, क्षाय श्रमिक सम्यकत्व था, जब क्षायक सम्यक दर्शन जब वापस आ गया, तब उन्होंने 11 लाख मांस खमण करके क्षायिक सम्यकत्व बांधा, बराबर। देखो यही बात को, ये भी साइन है कुदरत की, क्षायिक सम्यकत्व 11 लाख मांस खमण करने के कारण बंधा नहीं है, वो वैराग्य भाव के बाद सहित मांस खमण करने से बंधा है। वैराग्य भाव सहित मांस खमण कर रहा है जीव, तो वो मांस खमण, वो तप कोई पुण्य का बंध नहीं करा रहा है उनको, मात्र कर्म बंध से छुटकारा दे रहा। इतना प्रकाश पुण्य बंध, 11 लाख मांस खमण, इतना प्रबल पुण्य, इतना प्रबल पुण्य बंध का कर्म है जो प्रचंड पुण्य बंधा रहा है, और वो हुआ तीर्थंकर नाम कर्म का पुण्य, बराबर। लेकिन वो मोक्ष का कारण क्यों बना, क्योंकि उनको अभी भगवान को कोई इच्छा ही नहीं है, अभी जी प्रसन्न चंद्र अरे नंदन मुनि को कोई इच्छा ही नहीं है, और विश्वभूति अणगार ने इच्छा कर ली, बात खत्म। इच्छा क्या करा सकती है, आज एक ही उदाहरण था, इच्छा से 11 लाख मांस खमण आपको भव में भटकाएगा, सातवीं नारकी तक, पांचवीं नारकी तक के पीड़ा उसी कारण उन्होंने भोगी, और इच्छा रहित का मांस खमण तब उनको तीर्थंकर नाम कर्म की उपार्जना करा के गया, क्योंकि यहाँ कोई इच्छा नहीं है, कोई संसार का भ्रमण नहीं, कोई दुख सुख कुछ नहीं चाहिए उनको, बराबर। तो इच्छा क्या है वो आज आपने जाना, कि इच्छा क्या है, इच्छा इच्छा का अर्थ ही है कि मैं किसी भी वस्तु को मेरे अधीन करूँ, मैं कुछ करूँ, मुझे चाहिए, ये इच्छा है, मुझे कैसा भी चाहिए चलेगा, लेकिन चाहिए, मुझे चाहिए, बराबर। आओ अभी 220वीं गाथा, 20, 21, 22, 23 चारों गाथा साथ में बोल रही हूँ। भुंजन तस्वी विवि है सच्चिताचित मिसिये दव्वे, भुंजन तस्वी विवि है सच्चिताचित मिसिये दव्वे, संखस सेद भावो नवी सकदी किन्ह गो कादुम, तह जानी सवी विवि है सच्चिताचित मिसिये दव्वे, भुंजन तस्वी नाणम न सकम्बणानदम नेदुम, जय्या स एव संखो सेद सहावो तयम पजही दूणम, गच्छे ज किन्ह भावम तैया सुकत्तणम पजहे, त
तह नाणी वी हु जया नाण सहावो तयम पजही दुण अज्ञानेन परिणदो तया अणानदम गच्छे। आओ इसका अर्थ है, जम संख विविध सचित्त मिश्र अचित्त द्रव्यो भोगवे पण संखना शुक्लत्व ने नहीं कृष्ण कोई करी सके। તેમ જ્ઞાની વિવિધ સચિત્ત મિશ્ર અચિત્ત દ્રવ્યો ભોગવે પણ જ્ઞાની જ્ઞાન જ્ઞાની તણુ નહીં અજ્ઞાન કોઈ કરી શકે। જ્યારે સ્વયં તે શંખ શ્વેત સ્વભાવ નિજનો છોડીને પામે સ્વયં કૃષ્ણત્વ ત્યારે છોડતો શુક્લત્વને, તેમ જ્ઞાની પણ જ્યારે સ્વયં નિજ છોડી જ્ઞાન સ્વભાવને અજ્ઞાને ભાવે પરિણમે અજ્ઞાનતા ત્યારે લહે। આવો ज्ञान और अज्ञान को शंख की उपमा दी है, श्वेत शंख और कृष्ण शंख कैसे हो रहा है अब हम उसको समझेंगे। बुज्जान श्यापी विविधानी सचित्ता चित्त मिश्रितानी द्रव्याणी शंखस्य श्वेत भावो नापि शक्यते कृष्ण कर्तुम तथा ज्ञानी नोपि विविधानी सचित्ता चित्त मिश्रितानी द्रव्याणी बुज्जान श्यापी ज्ञानम च शक्यम ज्ञानताम नेतुम यदा स एव शंख श्वेत स्वभावं तकं प्रहाय गच्छेत् कृष्ण भावं तदा शुक्लत्वं प्रजयात् तथा ज्ञानपि खलु यदा ज्ञान स्वभावं तकं प्रहाय अज्ञानेन परिणत तदा अज्ञानतां गच्छेत्। आओ इसका अर्थ समझेंगे हम। जिस तरह शंख अनेक प्रकार के अचित सचित मिश्र ऐसे द्रव्यों को भोग रहा है, खा रहा है, पी रहा है, शंख सब आहार ले रहा है, क्योंकि शंख तो जीव है बराबर, वो खा रहा है पी रहा है, लेकिन उस शंख को इतने सचित अचित मिश्र आदि सारे द्रव्यों को खाते पीते भी उसका जो श्वेतपणा है वो कृष्ण नहीं हो सकता। इसी तरह ज्ञानी भी अनेक प्रकार के सचित अचित मिश्र आदि सारे द्रव्य को आप भोग रहे हो, भोजन कर रहे हो, खा पी रहे हो। देखो ज्ञानी कैसे जैसे भरत राजा भोग रहे हैं सारे वैभव के साथ, 32,000 उनकी रानियां उनके साथ जुड़ी हुई है, चक्रवर्तीपणा को वो भोग रहे हैं, बिल्कुल चक्रवर्ती अपने पाठ में जी रहे राजा की तरह, लेकिन वो ज्ञानी है, उनको सम्यकदर्शी हो चुके, उनको पता है कि ये सारा मुझे मिला है, पिता ने मुझे दिया है, चक्र उत्पन्न हुआ है, देखिए खास करके चक्र उत्पन्न हुआ है इस कारण से मैं इसको भोग रहा हूँ, बाकी ये कुछ भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे भी अपने पिता की तरह दीक्षा लेकर अपने सारे भाइयों की तरह दीक्षा लेकर संसार का त्याग करना है। वो अमन से जी रहे हैं बिना इच्छा के, बिना मन के, तो सारे सचित अचित मिश्र आदि द्रव्य राजपाट सब भोग रहे, सब भोग रहे, लेकिन फिर भी ज्ञानी होने के कारण कोई भी अज्ञान उन पर नहीं चढ़ रहा, कोई कर्म उन पर नहीं चढ़ रहा। लेकिन जब वही शंख यानी कि वही जीव अपने श्वेत स्वभाव को छोड़ दे, ध्यान दीजिएगा, ये जो शुद्ध स्वभाव है, श्वेत स्वभाव है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा वैराग्य भाव ही आपका श्वेत स्वभाव, आपका जो वैराग्य भाव है कि मुझे कोई इच्छा नहीं करनी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मोक्ष चाहिए, ये सारे बंधन है और मुझे इसमें से कोई ये मेरी कोई इच्छा या मेरे आसपास की कोई भी वस्तु मुझे कोई प्रकार का सुख नहीं दे सकती, ये श्वेत स्वभाव, ये वैराग्य भाव, यही श्वेत स्वभाव, यही अनिच्छा भाव, अनिच्छनीय भाव, अगर आप ये छोड़ दो बराबर, तो ही आप वैरागी, तो ही आप मुक्त हो, तो ही आप सारे मिश्र सचित अचित सब कुछ द्रव्य को भोगने के बाद भी आप
कर्मबंध से मुक्त हो, लेकिन जब आप ये श्वेत स्वभाव ही छोड़ दो, जब आप ये अध्यवसाय को बांधना शुरू करो, आपको अध्यवसाय चाहिए, आपको राग द्वेष कलह कंका सब कुछ चाहिए, जब आप संपूर्ण रूप से इच्छा के लिए ही अगर आप जीवित हो, प्रत्येक क्षण आपकी इच्छा चालू है, आपका वैराग्य ध्वंस हो चुका है, बिल्कुल खत्म हो चुका है, और आप अपने नथिंग इज इम्पॉसिबल, मुझे ये कार्य करना है, मैं करूंगी, इसके बगैर मैं नहीं करूंगी तो ये कोई नहीं करेगा, मैं नहीं करूंगी तो ये कार्य कोई नहीं करेगा, ऐसी विध्वंसता, ऐसी इच्छा की पराकाष्ठा, ऐसे पीड़ा कि मुझे ही क्यों दुख, इतना कर रही हूँ फिर भी मुझे ही क्यों पीड़ा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों बिहेवियर हो रहा है, सारी चीज आप छुपाओ, आप जैसे कि असत्य बोलो, फिर ईर्ष्या करो, ये सारा अध्यवसान बराबर, फिर शुभ अध्यवसान हो, जैसे कि राजा नहीं जीत रहे हैं, मैं जीतूं, मैं राज्य करूं, मैंने ये षठ खंड जीते, अभी मैं सातवां खंड भी जीतूं, ब्रह्मदत्त चक्री, इस तरह का आपका भाव आ जाए कि हर चीज के पीछे मैं लग जाऊं, तो आपको ये संसार के कर्म बंध से कोई नहीं बचा सकता, ध्यान दीजिएगा, कोई नहीं बचा सकता बराबर। तो जब ये शंख जब ये सोचे कि मुझे आज भोजन नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, चाहे वो जीव है, समझना बे इंद्रिय जीव है, उसको अंदर संगनी वंगनी तो कुछ है ही नहीं, लेकिन उसके शरीर को तो पीड़ा होगी ही होगी, क्योंकि अंदर सत्ता में क्या पड़ा हुआ है, भाव क्या है, सम्यक दर्शन तो है नहीं, एक इंद्रिय बे इंद्रिय तीन्द्रिय चौरिंद्रिय पंचेंद्रिय, उसमें आपको असंगनी भी मिलेंगे अज्ञानी भी मिलेंगे बराबर, संगनी पंचेंद्रिय तिर्यंच भी होंगे ना, नारकी के जीव भी होंगे, देव के जीव भी होंगे या मनुष्य के भी होंगे, संगनी पंचेंद्रिय जीव को भी आपको अज्ञानी मिलेंगे, मिथ्यात्व भी मिलेंगे, तो ये सारे जीव जो अज्ञानी है, जो मिथ्यात्वी है, मिथ्यात्व सहित है, उनके साथ क्या हो रहा है, वो किसी भी पर द्रव्य को खाते हैं, पीते हैं, अपनी वेदना व्यक्त करते हैं, अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं, वो समझिएगा बराबर, जरूरी नहीं कि उसको अंदर श्वेत स्वभाव उसका हो, वैराग्य भाव अंदर पड़ा हुआ हो, तो भाव ही दुर्भाव ही, भाव और दुर्भाव ये दो ही प्रति क्षण आपके सचित अचित और मिश्र द्रव्यों का जो आप उपयोग कर रहे हो, जो आप खा पी रहे हो, वो सारे चीज सारे द्रव्य अध्यवसान के कारण ही आपके आत्मा के ऊपर कार्मण वर्गणा के रूप में लग सकते हैं। आज आपने ये बात जानी, अगर आपने अध्यवसान को जीरो कर दिया, शून्य कर दिया, कोई भी इच्छा ना रखी, सर्व इच्छा का त्याग कर दिया, भरत राजा की तरह, मरुदेवा माता की तरह आप सम्यक दर्शी दर्शन के साथ जी रहे हो, तो आपको वैराग्य के साथ ही जीना पड़ेगा, समझिएगा, आप इच्छा त्याग करके ही वैरागी बन सकते हो, सम्यक दर्शनी हो तो इच्छा नहीं है, और अगर इच्छा है तो आप सम्यक दर्शनी नहीं हो, बहुत बड़ी बात है ये बराबर। अगर आप अध्यवसान के अंदर हो, इच्छा कर रहे हो, तो संपूर्ण ज्ञान को छोड़कर अज्ञान के रूप में आप स्वयं कृत
अज्ञानी हो जाओगे, स्वयं कृत अज्ञानी। बराबर, इसीलिए समझ लेना कि जब ज्ञानी को जब कर्म बंध होना शुरू हो जाएगा तो समझ लेना उसका सम्यक दर्शन क्षयोपशम की लाइन में है और वो अभी चला गया, वो अभी सम्यक दर्शन उसका चला गया। बराबर, ज्ञानी को सम्यक दर्शन चला जाएगा तो अवश्य कर्म बंध होगा, और अगर ज्ञानी को सम्यक दर्शन उपयोग में चालू है, प्रतिक्षण वो सोच रहा है कि भाई मुझे ये संसार का उद्विग्नता से जरूर बाहर आना है, अगर ये बात आप प्रतिक्षण सोचोगे ना, प्रतिक्षण समयम मापमाये, प्रभु कह रहे, गौतम स्वामी को नहीं कह रहे, प्रभु हमको कह रहे कि समय का भी प्रमाद मत करो, प्रमाद ही मिथ्यात्व है, समय का भी मिथ्यात्व मत करो, प्रति समय यही सोचो ये संसार दुखमय है और मुझे वैराग्य चाहिए, मुझे कोई भी इच्छा किसी भी कर्म की नहीं चाहिए। बराबर बराबर, ज्ञानी को कर्म करना उचित ही नहीं है, ज्ञानी को कर्म करना उचित ही नहीं है, अगर सम्यक ज्ञानी है तो उसको कर्म करना है, ऐसा औचित्य ही नहीं होता है। लेकिन जो भी कर्म का उदय चल रहा हो उस उदय के अंदर उसके उपयोग में तो उसको आना ही पड़ेगा, उसको उसमें आना ही पड़ेगा, पर हर एक कर्म का उदय मेरे वैराग्य के लिए बाधित है, प्रति समय प्रति क्षण मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस चीज का वहां पर आधार लेकर मुझे ये संसार से मुक्ति चाहिए, ये मेरा नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कोई सुख की अपेक्षा नहीं है, दुख मिला वो भी मेरे लिए गौण है, मुझे किसी भी दुख ना मिले ऐसी भी अपेक्षा नहीं। बराबर बराबर, अगर ऐसा होगा तो ही वो अपने आप को वैरागी रख पाएगा, सम्यक दृष्टि रख पाएगा प्रतिक्षण, और तो ही जब आप प्रतिक्षण वैरागी हो, प्रतिक्षण सम्यक दर्शी हो, प्रतिक्षण इच्छा न करने वाले हो, नहीं करने वाले हो, प्रत्येक अध्यवसान नहीं करने वाले हो, तो ही आपके ऊपर कोई भी कर्म बंध नहीं लगेगा। सम्यक दृष्टि के ऊपर कोई कर्म बंध क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसका सम्यक दर्शन चालू है। बराबर, ज्ञानी इच्छा विना परनी जबरदस्ती थी उदयमां आवेला कर्मने भोगवे छे त्यां तेने कोई बंद कयो नथी। समझाई गयू? समझाई गयू? पण जो ए पोतानी इच्छा थी ए कर्म भोगवशे, एमां जो एनी इच्छा भळी गई, एमां एने सुख लाग्यू के एमां एने दुख लाग्यू, तो ए पोते अपराधी थई गयो। हवे कर्म बंद थाय ज। समझाई गयू? कर्म बंद क्यारे थाय सम्यक दृष्टि ने? बोलो, कई प्रश्न? प्रतिक्षण जागृति जोईए छे, प्रतिक्षण समय मापमाए, कोई भी समय नो पण प्रमाद नहीं जोईए, समय पूरतो पण मने कई जोईए छे एवो भाव नहीं, मारो अध्यवसाय नहीं। केम केम कर्म ज करता ने पोताना फळ साथे जबरदस्ती थी जोड़ी शकतू नथी। कारमण वर्गना अपने आप आत्मा पर कभी नहीं लगेगी, ध्यान से समझिएगा। कारमण वर्गना ठसाठस भरी हुई है, मैं ये कर्म कर रही हूँ, मैं ये पानी पीने का कर्म कर रही हूँ, पर ये पानी पीकर भी मैंने कर्म नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरे आत्म प्रदेश पर ये नहीं लगेगा। हाँ, ये पानी ठंडा नहीं है, गर्म है,
पानी कचरा वाला है, पानी समय पर नहीं मिला है, या फिर पानी ऐसा हम बोलते हैं ना कि चलो हाश अभी पानी मिला, मेरे जीव को शांति हुई, अगर नहीं मिलता तो मैं मर जाती, बस ऐसे सारे अध्यवसान अगर पानी पीते पीते आ जाए तो समझ लेना कर्म बंद हो गया, बराबर। बाकी ऐसे ही नॉर्मल प्यास लगी है, पानी मिल गया, जैसा मिला जो मिला, तालाब में मिला, नदी में, तो ऐसे हाथ करके भी पी लिया, कोई दोष नहीं है। आपको पता है जो भी तीर्यंच होते हैं ना, जो सम्यकदर्शी होते हैं, वो पानी पीने कब जाते हैं? मंदिर में, अरे मंदिर में क्या, वो तालाब में पानी पीने कब जाएंगे? बराबर दोपहर के वक्त जाएंगे पानी पीने के लिए, अपने आप। उनको पता नहीं है, उनको कौन उबला हुआ पानी दे रहा है, उनको कौन छाना हुआ पानी दे रहा है, बोलो, कोई दे रहा है क्या? कोई दे रहा है? हम बोल रहे हैं हमको सचित खाना नहीं चाहिए, अचित खाना नहीं चाहिए, पड़ा हुआ दूसरे दिन ऐसे बिना छाने का पानी नहीं पीना चाहिए, हम बहुत कुछ ऐसा सोचते रहते हैं। पर आप इतना समझिए कि दोपहर के वक्त का गर्म सूर्य के प्रकाश से भी गर्म हुआ पानी उनके लिए अपने आप सचित है, ऐसा हम सोच रहे हैं, बराबर ऐसा हम सोच रहे हैं। लेकिन सम्यक दर्शनी है, वो तो जब भी पानी पियेंगे उनको कर्म नहीं लगने वाला, वो तो जब भी अचित भी खाएंगे अचित ही पियेंगे। अरे वो तो उसमें से कितने होंगे जो जानवर ही खाएंगे, नहीं खाएंगे बताओ? खाएंगे कि नहीं? लेकिन फिर भी सम्यक दर्शनी है, अंदर पड़ा हुआ है, सत्ता में पड़ा हुआ है, एक बार सम्यक दर्शन आ चुका है, बाद में तिरंज पंचेंद्रिय सिंह बने हैं या मछली बने हैं या कुछ भी बने हैं, पर सत्ता में जो कर्म पड़ा हुआ है उस कारण से उस भव में भोगा हुआ कोई भी कर्म उनके ऊपर बंद के रूप में नहीं चढ़ता, नहीं चढ़ता। बराबर, क्योंकि वो कर्म भोगने के लिए गए, नया बांधने के लिए गए ही नहीं है, कर्म भोगने के लिए गए। फल प्राप्त होने की इच्छा वाला व्यक्ति ही कर्म बंद करता है और कर्म के फल को भी प्राप्त करता है और कर्म बंद भी करता है। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, ऐसे सारे सारे जो स्तोत्र हैं जो आज के जमाने में बुलवा रहे हैं लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स, और बोलते हैं कि आप ऐसा बोलो कि मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, 1 करोड़ रुपया चाहिए, आप 1000 बार लिखोगे तो आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा ही मिलेगा, तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आप वो लिख लिख कर यूनिवर्स को क्या मैसेज दे रहे हो? आप यूनिवर्स को ये मैसेज दे रहे हो, आप अपने पुण्य कर्म का उपयोग कर रहे हो, जो भी बांधा हुआ पुण्य कर्म है आप उसका उपयोग कर रहे हो। जब एक विश्वभूति अणगार का असंकिति जीव उसी वक्त अपने किए हुए तप के बदले में वो मांग रहा है मुझे शक्ति दो, तो वो त्रिपुष्ट वासुदेव का भव उसको मिला कि नहीं मिला, बोलो? उसने 1,000,000 मांस खमण का तप का कर्म का फूल फल मांग लिया तो वो वासुदेव ही बनेगा ना। तो आपके एफर्मेशन भी आपको रंग देगा, रिजल्ट देगा ही देगा। आप सोचोगे, मैंने पहले भी बोला, फिर से कह रही हूँ, करोलिया जाला बनाते हुए बार बार क्यों गिरता है? क्योंकि वो बार बार कोशिश करता है, तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये हम जानते हैं, मगर कोशिश ही नहीं करनी है। ये सारे एफर्मेशन वैरागी के लिए त्याज्य है, छोड़ देनी है उसको,
हम ये सोचेंगे कि कोशिश करो, काम होगा ही होगा। आपको कोशिश ही नहीं करनी, आपको कोई कार्य ही नहीं करना है, कार्य की इच्छा ही नहीं करनी है। जो कर्म सामने आए वो शांति से करो और छोड़ दो। मेरी ड्यूटी थी, मुझे किसी ने बोला कि ये काम करो, मैंने किया, अब मैंने छोड़ दिया। बराबर पंचांग का भी वही हुआ, मैंने किया और मैंने छोड़ दिया। जब तक पकड़ के बैठी थी ना, मेरे बगैर कोई नहीं करेगा, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा। नियाणा तक आ गया कि पंचांग करके जाऊंगी, अगले भाव में आके शुरू करूंगी। सब किया ना, वो सबका आज प्रायश्चित मिच्छामि दुक्कड़म। कुछ नहीं करना है मुझे, कुछ नहीं करना है, कोई इच्छा ही नहीं है मेरी। जो कर्म सामने आया वो खत्म करो, जो कर्म सामने आया वो खत्म करो। तो आप कितनी भी क्रिया जिसको आगे आ गया वो आप कितनी भी क्रिया कर्म आप करते ही जाओ, आप करते ही जाओ। मिश्र कर्म हो, फिर अकाम निजरा, सकाम निजरा, मिश्र कार्य, कुछ भी करो, कुछ भी करो, आपको कोई भी दोष नहीं लगेगा। बराबर बराबर, क्योंकि जब तक आपका अध्यवसान, आपका इच्छा उसमें मिश्रित नहीं होगी, कोई भी कर्म कर्ता के ऊपर जबरदस्ती से अपना फल नहीं जोड़ता है। जो फल की इच्छा करेगा वो ही उसका फल प्राप्त करेगा। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर इंसान। बराबर बराबर, कर्म करना है लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी है। कर्म करते जाओ, कर्म की भी इच्छा नहीं करनी है, जो सामने आए वो करो बस। वैरागी भाव चाहिए ही चाहिए। कर्म कर्ता को जबरदस्ती से अपने फल के साथ कभी नहीं जोड़ता है, परंतु जो कर्म करते करते उसकी फल की इच्छा आप प्राप्त करना शुरू कर देते हो तब ही उसका फल मिलता है। इसीलिए जो ज्ञान में वर्तित है और वो जो राग के बिना कर्म करते हैं, ठीक है, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, मुझे कोई फल ही नहीं चाहिए, ऐसे आप कर्म पूरा करो। ये मेरी ड्यूटी है, मेरे सामने उदय में आया है और उसको मुझे पूरा करना है, ये सोच के अगर आप वो कर्म पूरा करो, ऐसा ज्ञानी कर्म से कभी भी बंधन में नहीं आता है, क्योंकि उसको कर्म फल की इच्छा नहीं होती। इच्छा, आओ गाथा नंबर 224, 24, 25, 26, 27, चार गाथा एक साथ होगी। पुरी सो जह कोवी इहम वित्तीणी मित्तम तु सेवदे रायन तो सो वी देदी राया विविह भोगे सुह पाए इमेव जीव पुरी सो कम्मयम सेवदे सुहणी मित्तम तो सो वी देदी कम्मो विविह भोगे सुह पाए जह पुन सोच्य पुरी सो वित्तीण मित्तम न सेवदे रायन तो सोण देदी राया विविह भोगे सुह पाए एमेव समदिठी वीसयत्थम सेवदेण कम्मरयम तो सोण देदी कम्मो विविह भोगे सुह पाए। आओ इसका अर्थ करेंगे। पुरुषो यथा कोपीह वृत्ति निमित्तं तु सेवते राजानं तत्सोपि ददाति राजा विधिवान भोगात सुखोत्पादकान। जैसे जगत में को पुरुष वृत्ति निमित्त सेवे भूप ने तो भूप पण सुख जनक विधविध भोग आपे पुरुष ने। जैसे कोई पुरुष वृत्ति निमित्त कार्य खास एक इच्छा से किसी राजा को वो प्रसन्न करता है तो ही वो राजा भी सुख पूर्वक सुख जनक विधविध सुख और भोग उस पुरुष को देता है। एवमेव जीव पुरुष कर्म रज सेवते सुख निमित्तम तत्तदपि ददाति कर्म विविधान भोगान सुखोत्पादकान।
इसी तरह जीव पुरुष जैसे जैसे कर्म रज का सुख अर्थ सेवन करता है तो कर्म भी सुख जनक विध विध भोग आपे जीवने। तो पण कर्म तो कर्म पण सुख जनक विध विध भोग आपे जीवने। वड़ी तेज नर जम वृत्ति अर्थे भूपने सेवे नहीं। जो वो नर वृत्ति के लिए अगर राजा को नहीं सेवता है तो राजा भी सुख जनक विध विध भोग आपे नहीं। सुदृष्टि ने तम विषय अर्थे कर्म रज सेवन नथी। सुदृष्टि जीव को, सुदृष्टि यानी सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि जीव को विषय के कारण कोई कर्म रज सेवन नथी, तो कर्म पण सुख जनक विध विध भोगने देता नथी। आओ, जैसे राजा जगत में किसी पुरुष को आजीविका के लिए, अगर मैं राजा की सेवा करूं, यानी कि मैं अगर कहीं नौकरी करूं, किसी का कार्य करूं, तो ही वो मुझे पगार देगा। ऐसे ही राजा को अगर मैं जाकर सेवा करूं राजा की, तो ही वो मुझे सुखजनक फल देगा, बराबर, तो ही राजा सुख देने वाला होगा। अगर मैं किसी राजा को या अपने मालिक को पीड़ा दे दूं तो वो मुझे दुखदायी देगा, वो मेरे को दुख देगा। अगर मैं कहीं किसी मालिक के यहाँ नौकरी करते करते चोरी कर लूँ तो वो मुझे जेल भेज देगा, दुख देगा। लेकिन अगर मैं उसका काम पूरा करूँ, अच्छी तरह से पूरा करूँ, तो वो मुझे पैसे देगा, धन देगा, सुख देगा, बराबर। इसी तरह जीव सुख के कारण सुख निमित्त से जो कर्म करेगा, जो कर्म रज का खान पान सेवन करेगा, वो कर्मरज उसको सुख देने वाला होगा। और अगर वो अनेक प्रकार का भोग भी उसके फल रूप देगा। और अगर कोई जीव दुख के हेतु, दुख पाने के हेतु कर्म करेगा, दुष्ट कर्म करेगा, चोरी करेगा, किसी और को दुख देने वाला कर्म करेगा, तो अवश्य वो फल उसको दुखदायी ही देगा, बराबर। तो यहाँ कर्म करो तो फल तो मिलता है, शुभ कर्म करो तो शुभ मिलता है। तो शुभ अध्यवसान काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है? अगर शुभ अध्यवसान सहित कर्म है तो शुभ फल देने वाला है, अगर अशुभ अध्यवसान सहित कर्म है तो अशुभ फल देने वाला है, और अगर बिना अध्यवसान का कर्म है, कर्म ही है, बिना अध्यवसान का कर्म है तो वो कोई भी फल देने वाला नहीं, बराबर। तो सुदृष्टि को क्या करना चाहिए? आपको सुदृष्टि लेकर कर्म करना चाहिए। अगर सुदृष्टि से आप कर्म करोगे, सम्यक दृष्टि से कर्म करोगे, सम्यक दृष्टि यानी बिना राग द्वेष का कर्म करोगे, बिना इच्छा का कर्म करोगे, तो वो कर्म होने के बाद भी कोई फल देने वाला नहीं है, बराबर। तो भाव भावना नहीं चाहिए, इच्छा नहीं चाहिए, इच्छा ही अवरोध है, इच्छा ही अवरोध है। विषय सुख पाने के लिए ही अज्ञानी कर्म करता है, बराबर। विषय सुख पाने की इच्छा से ही वो भोग करेगा तो उसको भोग ही मिलेगा, विषय सुख का ही फल मिलेगा और विषय सुख की ही पीड़ा मिलेगी। अगर आप विषय सुख पाने के लिए कर्म ना करो, जो कर्म उदय में आया है उसी के अनुसार आगे जाओ। क्योंकि देखो, अगर विषय सुख की, अब मैं भरत राजा की बात कर रही हूँ, उनको विषय सुख नहीं था, वो सम्यक दृष्टि से संसार का बंध नहीं था, लेकिन चक्रवर्ती बने तो 32,000 राज्य उनके ताबे में आए। कितने? 32,000 राज्य उनके ताबे में आए, चक्रवर्ती बने, और 32,000 राजा ने अपनी अपनी पुत्रियाँ उनके साथ ब्याही। क्योंकि जब भी कोई राजा किसी राज्य को ताबे में लेता है तब वहाँ की पुत्री उससे ब्याही जाती, मतलब वो राजा को वहाँ का जमाई बनाया जाता है, तब जाके वो राजा वो उस राज्य का ध्यान रखेगा। तो इस प्रकार से चक्रवर्ती पणा प्राप्त होने के कारण 32,000 पत्नियाँ उनकी हुई।
देखो उनको कोई कर्म भोग नहीं चाहिए, बराबर, कोई वासना सुख नहीं चाहिए, लेकिन 32,000 रानी से पाणी ग्रहण, और फिर पाणी ग्रहण किया है तो उसके बाद विषय सुख भोग भी आया, और वो सुख भोगते भोगते उनको अपने प्रजा, उनकी संतान, उनकी ये सब चीज़ हुआ होगा, लेकिन वो सारे कर्म के पीछे उनके भाव क्या थे? उन्होंने उदयागत कर्म की सेवना की, जो कर्म उदय में आया, बराबर, उदयागत कर्म की सेवना की, और वो भी बिना इच्छा, अनिच्छनीय, विषय सुख की इच्छा के बगैर जो विषय सुख सामने आया 32,000 रानी से भोग करने का, वो उन्होंने भोगा। तो वो भोगने के बावजूद उनको कोई कर्म रंजित परिणाम उत्पन्न नहीं हुआ, कोई कर्म रंजित परिणाम नहीं हुआ, कोई नहीं, बराबर। और बाकी आपको पता है, देखिए अज्ञानी की बात करेंगे यानी बिना सम्यक दर्शन की, और कोई भी अशुभ कर्म करो तो उसका प्रायश्चित किए बगैर मृत्यु, ये भी बहुत जरूरी है। सम्यक दर्शी होगा, उसने सम्यक दर्शन बहुत बार उसका आया होगा, चला गया होगा, आया होगा, चला गया होगा, तो इस दौरान उसने बहुत सारे ऐसे अशुभ कर्म कर लिए होंगे, तो वो सबका उसको प्रायश्चित करना पड़ेगा। आपको लक्ष्मणा साध्वी जी की बात पता है, चकला चकली के बीच का भोग उन्होंने देखा, भोग देखने के बाद उनको भी ऐसी वासना जागृत हुई, वो वासना तो जागृत हो गई, और उन्होंने जब अपने गुरु से प्रायश्चित लेने के लिए, उन्होंने गुरु से ये कहा कि अगर कोई और ऐसा कुछ देखे तो उसके लिए क्या प्रायश्चित, कोई और। देखिए उन्होंने यहाँ पे मुझे ये प्रायश्चित चाहिए ऐसी बात नहीं की, मुझे ये प्रायश्चित चाहिए ऐसी बात नहीं की, बराबर, उन्होंने भी उसमें किसी और को चाहिए ये बात की, इसीलिए और को चाहिए वो जानकर भी उन्होंने जो भी प्रायश्चित किया, जो भी उपवास तप फल उन्होंने प्रायश्चित किया, वो फल उनको नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने किसी और के लिए पूछा था। आपने किसी और के लिए पूछा है और वो आप क्रिया कर रहे हो तो सीधी बात है कि उसका फल आपको नहीं मिलेगा, तो आपको प्रायश्चित भी करना होगा, तो आपको अपने लिए मांगना पड़ेगा, खुद के लिए, बराबर, बराबर, आप खुद के लिए मांगोगे। अब देखिए यहाँ उदाहरण मैं क्यों दे रही हूँ कि इन्होंने ऐसा मात्र विषय राग देखा है, फिर भी कितनी चौबीसी तक उनको भटकना पड़ेगा, किसी और के लिए फल मांगा, किसी और के लिए प्रायश्चित मांगा, स्व के लिए नहीं। और उसकी जगह उल्टा देखो, आप उल्टी बात सोचो कि भरत राजा जैसे चक्रवर्ती, उसी भव में 32,000 पत्नियां उनकी है, रानियां है, और इतने सारे राजा राजवी भोग वो भोग रहे हैं, लेकिन फिर भी खुद की इच्छा नहीं होने के कारण उसी भव में वो कर्मबंध से मुक्त हो गए हैं, बराबर। तो अगर आपसे कर्मबंध हो जाए, सम्यक दर्शन बीच में निकल जाए, आपसे कोई भी विषय सुख या जो जिसको हम राग द्वेष मोह कषाय हास्य रति अरति, रति का भी आपकी इच्छा हो जाए, अरति की भी आपकी इच्छा हो जाए, आप उसके भी कर्म कर लो, तो आपको जैसे ही सम्यक दर्शन मतलब समझ आ जाए कि ये मैंने गलत किया है, उसका प्रायश्चित अवश्य कर लो। सम्यक दर्शनी को प्रतिक्षण सम्यक दर्शन किए अभाव और भाव, उसकी हाजिरी और उसकी गैर हाजिरी का अनुभव करना है, और उसको जैसे ही लगे कि ये कर्म मतलब ये मुझे नहीं करना चाहिए था, वैसा कर्म हो गया है, आपको तुरंत उसका प्रायश्चित भी मांगना है, और वो नहीं चाहिए ऐसा वैराग्य भाव भी अपने अंदर लाना है। तो आप वो कर्म करते करते भी वैरागी हो सकते हो, ये ध्यान दीजिए आप, बस आप वो कर्म करते करते भी वैरागी रहो,
और वैराग्य से चलाए मन मत हो। आप इतना ध्यान रखो, आपका वैराग्य से चलाए मान नहीं होना है। आपको अपनी अध्यवसाय और इच्छाओं का त्याग करने से चलित मान नहीं होना, नहीं होना। आप अपने ये ज्ञान स्वभाव, ये आपका ज्ञान स्वभाव है, वैराग्य आपका ज्ञान स्वभाव, अनिच्छा आपका ज्ञान स्वभाव, आपको उससे अचलित नहीं होना है। आप उसे अचलित नहीं रहोगे तो निश्चय से बाह्य क्रिया कर्म के आप कर्ता नहीं हो। बराबर, निश्चय से बाह्य क्रिया, जो भी बाह्य क्रिया हो रही है उसके आप कर्ता नहीं, आप मात्र ज्ञान के कर्ता हो, अज्ञान के कर्ता ही नहीं हो। ठीक है, आओ 229वीं गाथा। सम्मादिट्ठि जीवाणी शंका होंतीणी भयातेण सत्भय विपमुक्का जम्हा तम्हा दू निशंका। समकितवंत जीवो निशंक्ति तेथी छे निर्भय अने छे सप्त भय प्रविमुक्त जेथी तेथी छे ते निशंक। ध्यानथी सांभळजो, आ बहु सरस गाथा छे, बहु सरस समझवा जेवू छे। सम्यकवंत जीवो निशंकित होने से ही वो निर्भयता को प्राप्त होते हैं। आपको निर्भयता है क्योंकि आपको सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन ही निर्भय क्यों होते हैं, सम्यक दर्शन निशंकित क्यों होते, श्रद्धा को ही सम्यक क्यों कहा। देखिए, भगवान में श्रद्धा ये मत सोचो आप, भगवान में श्रद्धा, भगवान है कि नहीं, मोक्ष है कि नहीं, ये है कि नहीं, अरे आपको श्रद्धा उसी में होनी है कि पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य दोनों अलग अलग है, दोनों को अलग अलग कर देंगे तो वापस दोनों का मिश्रण नहीं होगा, इस चीज पे आपको श्रद्धा होनी चाहिए। आपको इस चीज पे श्रद्धा होनी चाहिए कि जिस तरह संसार उपलब्ध है वैसे बिना संसार की भी उपलब्धि होगी ही होगी। अगर संसार है तो मोक्ष भी है, ये चीज पर आपको श्रद्धा होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए। नहीं तो भगवान पे श्रद्धा है, हाँ भगवान तो थे, है, सबने बोला है तो जरूर है। अच्छा, दूसरा मोक्ष है तो हाँ मोक्ष है, मगर ये श्रद्धा नहीं है कि हो सकता है हो या नहीं हो, पता नहीं हो कि नहीं हो, तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। बराबर, ये श्रद्धा कभी भी आपको अश्रद्धा में लेके जाएगी। उससे उल्टा आप ऐसा सोचो, जैसे दिन है सूर्य उग रहा है ऐसे रात भी है, बिना सूर्य की मध्य रात्रि भी होती है, तो जैसे संसारी जीव होता है ऐसे मुक्त जीव भी होगा ही होगा। सीधी बात है ना कि अगर कर्म लेप, कर्म से लेपित जीव होगा तो कर्म से अलेपित जीव भी होगा कि नहीं। होगा ही होगा। इसीलिए सम्यक दर्शन इसी को कहेंगे कि भाई मुझे मेरे आत्मा को मुक्त करना हो, अगर मुझे मेरी आत्मा को मुक्त करना हो तो मुझे बिना अध्यवसान, बिना इच्छा के ही जीवित रहना है, मुझे वैरागी ही होना है बस। अब अगर इतनी बात अगर उसको पता चल गई ना तो वो बिल्कुल शंका रहित हो जाएगा, निश्चित रूप से उसकी शंका का त्याग हो जाएगा और सम्यक दर्शन टिक के रहेगा। अगर आप अध्यवसान के बिना हो पाओगे तो ही सम्यक दर्शन टिकेगा और तो ही आप श्रद्धावान रहोगे, आपकी श्रद्धा टिकेगी। और श्रद्धा टिक गई तो आप निर्भय हो गए, अब आपको कोई डरने की जरूरत नहीं। कितने भी कर्म आए जाए, कितने भी अध्यवसान आए, आपको पता है कि मैं
मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसमें से मुझे बाहर निकलना है, सारी चीज को मैं एक पिक्चर की तरह देखूं, चलचित्र की तरह देखूं, एक नाटक की तरह देखूं, एक स्टेज पे ड्रामा हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, ये ड्रामा ड्रामा देखकर मैं वापस आ रहा हूं। देखो ड्रामा में अगर कोई किसी का खून करता है ना, तो भी आप उसको बचाने नहीं जाते हो, जाते हो बताओ? पिक्चर चल रहा है, बॉम्ब फटा, आप गए दौड़ने बचाने, आपने अपना इन्वॉल्वमेंट डाला नहीं डाला? बराबर बराबर। ऐसे ही संसार में जो जो आपके साथ बिहेवियर हो रहा है, वर्तन हो रहा है, कर्म का उदय है वो, और वो उदय भी आपको शांति से कुछ भी किए बगैर शांति से उसको होने दो। उद्वेग आए सामने, कितना भी प्रक्रोश आए, क्रोध आए, उद्वेग आए, उसको शांति से खत्म करो। आप कुछ नहीं करोगे, आपको ये श्रद्धा है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे श्रद्धा है मैं इसमें कोई पदार्पण नहीं करूंगी, तो ये कर्म छूट जाएगा। ये श्रद्धा मेरे अंदर होनी चाहिए। कौन सी श्रद्धा होनी चाहिए बोलो? ये श्रद्धा होनी चाहिए, ये मेरा है ही नहीं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, ये श्रद्धा होनी चाहिए। मुझे शांत रहना है, मुझे कोई इच्छा नहीं करना है। ये श्रद्धा आ गई तब आप निर्भय हो जाओगे, आपको कोई पीड़ा, कोई भय, कुछ नहीं रहेगा। जो सात भय है ना, सात भय, सप्त भय, उससे आप मुक्त हो जाओगे, उससे आप छूट जाओगे। हाँ हाँ, वैराग्य भाव आपके साथ भय को छोड़ देता है, आपको उससे मुक्त कर देता है, सातों भय से। बराबर। आप निर्भय हो गए तो अब जो भी जो संसार में टूटे फूटे जो होना है, वो वावाजोड़ा हो, प्रलय हो, कुछ भी हो, अरे वो आपको पता है ना, वो विजय विजय राजा की कहानी याद करो आप, जो वंदितु का सूत्र किया था, उसमें देव आते हैं, उनकी पत्नी को नाग नागराज बनके उनकी पत्नी को डस लिया, पुत्र भी मर रहा हुआ पड़ा है, लोगों में इतने सारे नगर में नाग उत्पन्न हो रहे हैं, सबको मार रहा है वो, लोगों को मार रहा है, लेकिन राजा निर्भय है, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि है, वो सम्यक दृष्टि है, उसको पता है कि ये जो अगर अगर किसी की मृत्यु लिखी होगी तो उसको बचाने वाला मैं नहीं हूं। बराबर। ये दैवी प्रकोप से भी हो रहा हो तो वो देवता के प्रकोप को से दूसरों को बचाने वाला मैं नहीं हूं, किसी की भी आयु बढ़ाने वाला मैं नहीं हूं। आप देख सोचो, भगवान को बोला इतना इंद्र ने कि प्रभु आप आयुष्य थोड़ा बढ़ा दो, वो भस्म ग्रह संक्रमण आपके जाने के बाद होगा, पूरे संसार में वो सूक्ष्म रज जीवाणु ऐसा उत्पन्न हो करेगा कि संसार विषमय हो जाएगा, आप अपनी आयु थोड़ी बढ़ा दो, आपकी आयु आप विद्यमान होंगे, भस्म ग्रह तो अपने समय पे संक्रमण होगा ही होगा, लेकिन आप यहाँ होंगे तो उसकी पीड़ा जगत को कम होगी, जगत के जीवों को कम होगी। अरे प्रभु तो केवल ज्ञानी क्या, वो तो सभी जीवों को अभयदान देने वाले प्रभु, आप सोचो सर्व जीवों को अभयदान देने वाला, अगर इसकी जगह हम कोई होते तो क्या करते भाई, इतने जीवों की करुणा बच रही है तो चलो ये काम करो, कर लेते कि नहीं बोलो? लेकिन ये तो क्षायिक संकीति है, उनको प्रतिक्षण ये पता है कि भाई मेरे कुछ भी करने से, मेरे कुछ भी करने से किसी की भी पीड़ा कम होगी ही नहीं, सब कर्म सब जीव पूरा संसार अपने कर्मों के अधीन है, पूरा संसार आपके कुछ कर लेने से या आपके कुछ सोच लेने से वो कार्य नहीं होगा, ये सम्यक दृष्टि जानता है, उसको पता है। बराबर। इसलिए वो सप्त भय से मुक्त है, उसको कोई भय नहीं, अपने संतान की पीड़ा का भी उसको कोई भय नहीं,
अगर संतान पीड़ित है, संतान को तकलीफ है, संतान का सुख नहीं, उसको दुख दुख ही दुख है, तब भी उसको पता है कि भाई इसके इसके दुख इसका ही कर्म का उदय है, उसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा, उसको ही शांति से खत्म करना है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, बराबर। इसीलिए वो चलित नहीं होता, कितना भी बड़ा वज्रपात हो जाए सम्यक दृष्टि चलित नहीं होता, वो निर्भय है और निशंक है, वो निर्भय है और निशंक है। क्या उसको निर्भय रख रहा है? ज्ञान उसको निर्भय रख रहा है, उसको पता है कि सबके अध्यवसान अपने अपने होते हैं, सबका राग द्वेष उसका अपना अपना, सर्व जीव अपने अपने राग और द्वेष के ही अधीन है, सम्यक दृष्टि को यह मालूम है, इसलिए वो निशंक है और निर्भय है, सात भय से मुक्त है, अटल अटल बोला गया उसको, मेरू की तरह अचल अविचल है वो। सर्व कर्म का फल मात्र भोगावली है, ये ही हमको समझना है। जो भी कर्म सामने आए, अत्यंत निशंक दारुण दृढ़ निश्चय रखना है हमको, तब भी आप अत्यंत निर्भय हो पाओगे। आप अत्यंत निश्चय वाले जब तक नहीं बनोगे, अत्यंत वैरागी नहीं बनोगे, अत्यंत निर्भय नहीं बन पाओगे, समझ लेना। वैराग्य का यही महत्व है, वैराग्य मतलब ये मेरा नहीं है, वैराग्य का मतलब ये मेरा नहीं है, ये मेरी इच्छित नहीं है, बराबर। भय दो प्रकार का है, सात भय में, आप इस लोक का भय, परलोक का भय है कि नहीं, बोलो। इस लोक में मुझे सुख नहीं मिला, मुझे पुण्य कमाना है, मैं तप करूं, मैं दान करूं, दान शील तप भाव चारों भाव में करता जाऊं करता जाऊं करता जाऊं, क्यों? क्योंकि मुझे पुण्य कमाना है, क्योंकि मुझे ये लोक में अच्छा काम करूंगा तो परलोक में अच्छा पुण्य कमाया होगा तो ही सुख मिलेगा। तो ये जो हम करते हैं ना, वो भी हम ये लोक आलोक और परलोक के भय के कारण कर रहे, बराबर बराबर। और इसी कारण हम ये सारे क्रिया दान दर्शील तप भाव रूपी पुण्य बांधने का कर्म कर रहे कर रहे कर रहे कर रहे कर रहे। इस भव में अनुकूल सामग्री रह से कि नहीं रहे, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, टिकेगी कि नहीं, पैसा टिकेगा कि नहीं, बीमारी आई तो पैसा होना चाहिए। बहुत बार ऐसा ऐसे भय से ऐसी सोच आती ही आती है, पर ये सोच ज्ञानी को करनी है कि भाई मेरा आत्मा ही मेरा चैतन्य है, वही मेरा नित्य लोक है। अगर रोग आया और शरीर का त्याग हुआ तो भी वो मैं नहीं हूँ, मेरा आयुष्य कर्म उतना ही होगा। कोई रोग आ रहा है और रोग से मेरा शरीर में छोड़ रहा हूँ तो मेरी आयु मेरा कर्म खत्म हो चुका है। हाँ, ये लोए आलोक नो भय, परलोए परलोक नो भय, आसन से पाओगे। जीवा मेरा मरम ठाणम, ये सब तो है, ये सारा भय तो है जो हमको यहाँ इसी के अंदर कार्यरत करा रहा है। कर्म करते जाओ करते जाओ करते जाओ बस। और हम तो वापस पुण्य भी मांग लिया ना, यह संतु महायस बतिबर निबर ये न ता देव दिज बोई भवे भवे पास जी चल, बराबर। जब तक मैं ना, मुझे बोधि ज्ञान ना हो तब तक प्रभु तू मिले, ये भी मांग लेते हैं ना, पुण्य ही है ना ये, क्योंकि भगवान मिलेंगे तो बच के रहेंगे हम। तो वो परलोक का भाई हमसे ये मंगवा रहा है ना, बोलो। आलोक और परलोक दोनों में अगर भगवान मिले तो जैन धर्म मिले तो पुण्य होता जाएगा, हम यही मांग रहे हैं ना, बोलो क्या मांग रहे हैं और बताओ।
यह संतुओ गाथा में भी क्या मांग रहे हैं? हाँ, कुछ नहीं मांगना है, बात समझिएगा, कुछ नहीं मांगना है, कुछ नहीं। ये लोक भी मेरा नहीं है, परलोक भी मेरा नहीं है, मात्र चैतन्य मेरा और कुछ मेरा नहीं है। मुझे कुछ भी इच्छित ही नहीं है, आपको ये याद रखना है, मेरे लिए कुछ भी इच्छित नहीं है। अभेद स्वरूप निर्भेद उदित वेद्य वेद्यक बलात्, अभेद स्वरूप बल पूर्वक उत्पन्न होने वाला कोई भी कर्म से मैं अभेद्य हूं। कोई भी कर्म बल पूर्वक उत्पन्न होगा तो भी मुझे नहीं चाहिए, बराबर।